कोरोना पॉजिटिव पाई गई बॉलीवुड की बेबी डॉल कनिका कपूर की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली कनिका कपूर अब कोरोना को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। 20 मार्च को कनिका कपूर को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब तक उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ है। जी हाँ, कोरोना वायरस से संक्रमित कनिका कपूर का चौथा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। चलिए आपको बताते हैं कि कोरोना टेस्ट किया कैसे जाता है। स्वाब टेस्ट। इस टेस्ट में लैब एक कॉटन स्वाब से गले या नाक के अंदर से सैंपल लेकर टेस्ट करता है। नेजल स्पिरिट। वायरस की जांच करने वाली लैब आपके नाक में एक सॉल्यूशन डालने के बाद सैंपल कलेक्ट कर उसकी जांच करती है। ट्रेशल एस्पिरेट। ब्रोंकोस्कोप नाम का एक पतला ट्यूब आपके फेफड़े में डालकर वहां से सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। सप्टम टेस्ट। ये फेफड़े में जमा मटेरियल या नाक से स्वाब के जरिए निकाले जाने वाले सैंपल का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट। इस तरह के सभी सैंपल को जुटाने के बाद कोरोना वायरस के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाता है। कोरोना वायरस के सभी वेरियंट के लिए इनका ब्लैंकेट टेस्ट किया जाता है। इस तरह कनिका कपूर का चौथा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। कनिका का इलाज अभी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PGI लखनऊ में हो रहा है। चौथी बार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से कनिका कपूर के परिवार वाले काफी परेशान हो गए हैं। PGI में कनिका कपूर की देखभाल के लिए हर समय एक नर्स को लगाया गया है। हर 4-4 घंटे पर नर्स की शिफ्ट बदलती है। हैरानी की बात यह है कि 10 दिनों के आइसोलेशन और डॉक्टरों के लगातार इलाज के बावजूद कनिका कपूर की रिपोर्ट चौथी बार कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोरोना ने कनिका कपूर पर इतना ज़्यादा असर किया है कि उसे दूर करने में वक्त लग रहा है, या फिर कनिका कपूर की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है जिसकी वजह से वायरस का असर अभी और वक्त लेगा। फिलहाल डॉक्टरों की कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द कनिका कपूर ठीक हों। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से भारत लौटी थी और उसके बाद उन्होंने कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में हिस्सा लिया था। और जैसा ही ये पता चला कि कनिका कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित है, देश भर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिन जिन नेताओं के साथ कनिका कपूर ने पार्टी की थी वो सभी आइसोलेशन में चले गए और सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया। हालांकि इन सब का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। हालांकि उस वक्त कनिका कपूर के पिता का बयान आया था और उन्होंने कनिका कपूर पर सफाई भी दी थी, क्योंकि कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव आने पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। कनिका के बारे में टीवी पे और सब जगह से हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं इसमें बहुत गलत सलत चीज़ें बताई जा रही हैं और बहुत गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में। कनिका 9 तारीख की लेट नाइट को लंदन से बॉम्बे आई। एक दिन बॉम्बे रुक करके वो लखनऊ आई 11 तारीख को। 11 तारीख इसलिए आई कि हम लोग एक अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर से हम लोग इसमें शालीमार गैलेंट में शिफ्ट किया एक फ्लैट के अंदर, तो उसकी शिफ्टिंग में हमारी मदद करने आई थी वो। लेकिन अब कनिका कपूर के चौथे टेस्ट ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी है। दूसरी तरफ कनिका कपूर ने पहली बार अस्पताल से पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट दिया था। साथ ही ये भी बताया कि उन्हें घर जाने का इंतजार है। उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद सता रही है। कनिका ने पोस्ट में लिखा, सोने जा रही हूँ, आप सभी को अपना प्यार भेज रही हूँ, सेफ रहें। मेरी चिंता करने के लिए आप सभी को शुक्रिया, लेकिन मैं ICU में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि मेरा अगला कोरोना टेस्ट नेगेटिव होगा। अपने बच्चों और फैमिली के पास जाने का इंतजार है, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। लगातार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कनिका कपूर की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। वो बेहद घबराई और बेचैन दिख रही हैं। कनिका कपूर की देखभाल करने वाली स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि कोरोना वायरस का पूरा इलाज होने में 3-4 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कुछ केस में देखा गया है कि ये इलाज 2 महीने तक भी खिंच सकता है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव।